आपको क्या लगता है जैसे रोहित शेट्टी की मूवीज में गाड़ियां उड़ती है वैसे ये गाड़ी उड़ेगी? ये तो उड़ गई यार। तो भाई लोगों आज है हमारे पास एक ब्रांड न्यू ब्लैक स्कॉर्पियो। I got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I solve them. I run through the money. The pressure be calling. Left on my blessings. I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage. I'm going through something. That's why I ain't calling. Phone and progression. It's all that I wanted. Yo guys, आग लगा दी, आग लगा दी। तो भाई लोगों, आज जो हमारे पास गाड़ी है ना, ये भारतीयों के दिलों के अंदर राज करती है। इस गाड़ी का जो दबदबा है ना, वो 2022 के अंदर भी उतना ही है जितना ये फर्स्ट टाइम में लॉन्च हुई थी तब। तो भाई लोगों वीडियो का एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो शुरुआत का जो सीक्वेंस था ना, वो मैंने कैसे शूट करा। चलो, 2022 की ये स्कॉर्पियो, इसके अंदर ऐसा क्या डिफरेंस है, ऐसा क्या चेंजेस है कि लोग इसके पीछे पागलों की तरह मर रहे हैं और जो सेल्स है ना वो छप्पड़ फाड़ के चल रही है। भारत के अंदर इसने एक अलग ही बेंचमार्क सेट करके रखा है। इवन तो भारत के अलावा भी है ना, काफ़ी सारी कंट्रीज़ के अंदर ये छप्पड़ फाड़ सेल्स के साथ सेल हो रही है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ इस ब्रांड न्यू स्कॉर्पियो के अंदर क्या डिफरेंस है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, बाहर से ये बिल्कुल सिमिलर है, मस्कुलर जोरदार दिखने वाली गाड़ी, मतलब आतंक मचाने वाली। सामने से देखो यार एक बार इसे, ऐसे लगता है कोई खाने के लिए हमें आ रहा हो, राक्षस टाइप का। और पीछे की बात करी जाए तो ये जो हमारा है, ये है स्कॉर्पियो का क्लासिक S11 वेरिएंट। और भाई नया लोगो आ चुका है, तो जो बाहर जो चेंजेस हैं वो तो एक नया लोगो है और वो बाकी सब तो सेम ही है। चलो एक काम करते हैं, मैं आपको अंदर का दिखाता हूँ। तो भाई लोगों ये जो गाड़ी है ना, ये कुछ अंदर से इस तरीके की दिखाई देती है। तो भाई लोगों जो फर्स्ट रो है वो कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे अपने को एक ब्रांड न्यू लोगो देखने को मिल रहा है और कुछ इस तरीके का इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है। यहाँ पे अपने को वाइपर्स के सारे कंट्रोल्स मिल रहे हैं, यहाँ पे अपने को लाइट्स के मिल रहे हैं, एंड ये गियर, हैंड ब्रेक। और भाई जो अंदर की गाड़ी है ना, इसके बारे में क्या ही कहना। और जो पोजीशन है ना ड्राइवर का देखने का, बहुत ही शानदार है। एक कमांडिंग पोजीशन पे अपन बैठे हुए हैं और बिल्कुल मस्त लग रहा है। तो बड़े बड़े लंबे लंबे इसके गेट हैं, देखो इतने लंबे लंबे गेट हैं। और जो विंडो एरिया है ना वो कितना ज़्यादा है। तो चलो अभी एक काम करते हैं, सेकेंड रो में चलते हैं और सेकेंड रो आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसा है। तो भाई लोगों ये आ गए अपन इसकी सेकंड रो के अंदर। जो दरवाज़ा है बहुत ज़्यादा लंबा खुलता है, और इसकी मेन खासियत ये है कि ये भाई कैप्टन रो वाली है। तो जैसा कि आपको सामने दो सीटें देखने को मिलती हैं, वैसा ही इसमें यहाँ पे है। तो इसका भी जो, तो भाई लोगों जो इसका भी बैठने का जो सीन है ना, वो बहुत ही सही है। जैसे आप ड्राइवर एंड को पायलट सीट पर बैठते हो, वैसा ही सेम यहाँ पर है। और ईज़िली आपके चार पैसेंजर्स तो बड़े आराम से बैठ सकते हैं इसमें। और भाई ये है टॉप मॉडल, तो थोड़ा बहुत लग्जरी भी फील कर ही रहा है। वैसे स्कॉर्पियो एक लग्जरी गाड़ी ना कह के मैं इसे कहूँगा दमदार रगिड गाड़ी कह सकते हैं। तो ये इस प्रकार से कुछ ऐसा है, बहुत ज़्यादा नी रूम है अपने पास, काफ़ी कुछ है। और थर्ड रूम में जाने के लिए कुछ ऐसा सीन है, देखो। तो भाई ये कुछ ऐसा सीन है। भाई लोग अभी हम आ चुके हैं थर्ड रूम में, और ये भी सही है। ध्यान नहीं है कि ये खिसकता है या नहीं खिसकता है। अगर मैं यहाँ पर बैठूँगा ना तो भाई यहाँ पर तो अड़ने लग गया पूरा का पूरा। तो कुछ इस तरीके से है हमारी स्कॉर्पियो अंदर से। एक बार आप अंदर का व्यू देखें। तो भाई लोगों अभी मेरे साथ इस गाड़ी के ओनर खड़े हैं, और इनसे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि ये गाड़ी आपने क्यों ली है? इस रेंज के अंदर वैसे तो काफी सारी गाड़ियां मिल जाती है, सब ऑडियंस को भी पता होगा, बट आपने ये गाड़ी क्यों ली है? एकमात्र एक ऐसी एक गाड़ी है जो बहुत दबंग गाड़ी है, और ये एक राजनेता और दबंग आदमी के लिए अच्छी लगती है। तो ये एक रीज़न है भाई, ये रीज़न सभी का है। ये इस गाड़ी ऐसी है, रास्ते से निकलते हैं ना तो ऐसे मुड़ मुड़ के देखते हैं। आपको देखते हैं लोग जब आप गाड़ी लेके चलते हो? मैं भी देखता था पहले, अब मुझे भी देखते हैं सब। वाह क्या बात है, क्या बात है यार, ये भी बात। तो ये है सबसे बड़ा रीज़न भाई स्कॉर्पियो का। माना कि स्कॉर्पियो की कोई, अगर अभी हम थोड़े दिनों की पहले की बात करी जाए तो एन कैप रेटिंग निकली है, स्कॉर्पियो एन भी आती है इसी के अंदर, नया वाला मॉडल आता है। बट वो क्यों नहीं लिया फिर? वो भी तो स्कॉर्पियो ही है, लेकिन वो थोड़ी अलग लगती है, ये नहीं लगती है। अच्छा, ऐसा लुक नहीं आता इसके अंदर? अच्छा अच्छा, तो भाई पुरानी वाली क्लासिक क्लासिक ही है, इसीलिए अभी तक महिंद्रा ने इसको डिसकंटिन्यू नहीं करा है। ये अभी तक भी सेल हो रही है और जोरदार हो रही है। सबसे पहली ट्रिप कहाँ की मारोगे?
लद्दाख जाएंगे भाई। लद्दाख, लद्दाख जाओगे आप? ओके, फाइनली हम गाड़ी में आ चुके हैं, अब बारी है इसे चलाने की। लेट्स गो, चलो 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 चलो। वैसे भैया जी एक बात बताएं मेरे को कि आपने इसको कितना तेज चलाया अभी तक, सबसे फास्टेस्ट स्पीड? इसको मैंने अभी तक 140। तो गाड़ी की स्टेबिलिटी ठीक थी, कोई ज्यादा तो नहीं थी। मतलब ये क्या स्कॉर्पियो में एक वो जो चीज है ना कि झोल खाती है, वैसा सीन? हाईवे पे तो नहीं खाती है झोल। हाँ हाँ, तो छोटे बड़े रास्ते पे जो सही नहीं होते उन पे झोल खाती। अच्छा अच्छा अच्छा, हाईवे पे तो चल सकती है। अच्छा, इससे पहले आपके पास कौन सी मतलब की गाड़ी आप ड्राइव कर रहे थे रेगुलर बेसिस पे? पहले कोई गाड़ी नहीं थी, बुलेट थी। अच्छा बुलेट है? हाँ। अरे यार आप तो शुरुआत से मतलब की दबंग आदमी रहे हो। नहीं वो गाड़ी बुलेट वो भी दबंग ही है। हाँ हाँ, और ये मैंने देखा तो देखते ही मैंने लगा भाई ये गाड़ी स्कॉर्पियो बहुत अच्छी है। हाँ और यही लेनी चाहिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैंने स्कॉर्पियो ली थी। अच्छा 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 अच्छा, बिल्कुल। तो भाई लोगों ऐसा कुछ सीन है स्कॉर्पियो का, बड़ी मस्त लगती है गाड़ी अंदर से, और जो बैठने का जो फील है ना वो नेक्स्ट लेवल ही है। तो भैया थैंक यू यार, मज़ा आ गया काफ़ी मिलके, आपसे मिलके भी बढ़िया लगा। और चलो अब आपका भी टाइम ज़्यादा ज़ाया नहीं करते हैं और चलते हैं। तो भाई लोगों फाइनली वीडियो एडिट हो चुका है, और जैसा कि मैंने आपको वादा करा था कि वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने जो स्टार्टिंग पार्ट था उसको कैसे शूट करा। तो स्टार्टिंग पार्ट कुछ इस तरीके से था। आपको क्या लगता है जैसे रोहित शेट्टी की मूवीज में गाड़ियां उड़ती है वैसे ये गाड़ी उड़ेगी? तो भाई लोगों आज है हमारे पास एक। तो भाई लोगों ऐसा कुछ स्टार्टिंग पार्ट था जिसको आप टाइमलाइन में देख ही सकते होंगे। मैं अब आपको बताता हूँ कि इसका शूट कैसे करा था। तो ये क्लिप है, तो इसे शूट हमने कुछ इस तरीके से करा था। आपको क्या लगता है जैसे रोहित शेट्टी की मूवीज में गाड़ियां उड़ती है वैसे ये गाड़ी उड़ेगी? फिर मैं यहाँ पे पॉज हो गया और मैंने गाड़ी को निकालने के लिए कह दिया और गाड़ी फ्रेम से बाहर चली गई। और फिर मैंने एक्शन कर दिया। वो भैंस की टांग, ये तो उड़ गई यार। तो भाई लोगों देखा कुछ इस तरीके से मैंने इस शॉट को वहाँ पे परफॉर्म करा था। और भाई लोग इसी के साथ साथ मैंने ना जो ओनर है उनसे एक सवाल और पूछा था कि भाई ये गाड़ी अभी तक अलाइव कैसे है, ये अभी तक सरवाइव कैसे कर रही है, इतनी पुरानी होने के बाद भी लोग इसे खरीद रहे हैं, तो ऐसा क्यों? उन्होंने सिर्फ एक जवाब दिया कि जब तक महिंद्रा इंडिया में है तब तक स्कॉर्पियो बिकेगी। भाई सीधी सी बात है, जिससे भी पूछो जिनके पास भी स्कॉर्पियो है सिर्फ वही है कि एक टोरा है और ये गाड़ी की एक अलग रेस्पेक्ट है, एक अलग इज्जत है। तो भाई लोगों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये गाड़ी कब तक सरवाइव करेगी और इसके पीछे क्या कारण है? अगर आपके पास सेम बजट हो तो आप कौन सी गाड़ी लेना प्रिफर करेंगे, स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो एन या फिर XUV 700 या थार? आप कौन सी गाड़ी लेना पसंद करेंगे इनमें से? तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हम मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना भी मत भूलना। बाय। ये गाड़ी क्यों ली है? Bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I solve 'em. I run through the money. The pressure be calling. Left on my blessings. I feel like I'm falling. The birdie is back.